ऐतिहासिक पोखरा होने के बावजूद सिर्फ सागर पोखरा का सौंदर्यीकरण क्यों? सभी पोखरों का सौंदर्यीकरण किया जाए। विजय कश्यप, न्यूज 9 टाइम्स, बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी विजय कश्यप ने नगर के ऐतिहासिक सागर पोखरा के सौंदर्यीकरण बजट पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सौंदर्यीकरण का कुल बजट 1,60,49,583 रुपए की लागत से जो काम किया गया है उसमें भारी आर्थिक अनियमितता बरती गई है। उसमें बजट की आधी राशि से भी कम लागत में निम्न स्तरीय कार्य किया गया है। स्ट्रीट लाइट अपने गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। फव्वारे का जो निर्माण हुआ है वह भी तकनीकी रूप से फेल हो चुका है। बेतिया नगर निगम के अंदर आने वाले सामाजिक एवं ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व के दर्शन वाले तालाबों का हाल, जल जीवन हरियाली योजना तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूढ़ वन योजना के तहत प्रखंड एवं जिला प्रशासन की अनुशंसा के किए जाने के बावजूद भी आज तक DPR की बात तो दूर, उनके सफाई पर नगर निगम प्रशासन का ध्यान नहीं गया। आज सागर पोखरा पे राज के समय का ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से चंपारण का महत्वपूर्ण स्थल है, तालाब है, उसके सौंदर्यीकरण के ऊपर जो 1,60,00,000 रुपये की राशि खर्च हुई है, जिसमें आर्थिक अनियमितताएं तथा DPR के मानकों के ऊपर कार्य का नहीं किए जाने के ऊपर आज प्रबुद्ध भारती एवं तमाम सामाजिक संगठनों के साथ इसका विरोध कर रही है और इसकी जांच की मांग कर रही है। साथ ही साथ बेतिया पूरे बिहार के नक्शे पर एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, जहां पर राज के समय के तमाम ऐसे तालाब और पोखरे बने हुए हैं जो राजा रानी के नेतृत्व में देख रेख में बनाए गए हैं। लेकिन करीब ऐसे 10 तालाब हैं बेतिया के अंदर, जिसमें उतवारी पोखरा का तालाब, संत घाट का तालाब, गरदान पोखरा, बरबच का तालाब, मानू छापर का तालाब, हरिबाटका का तालाब, ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक जो तालाब हैं उनकी भी सागर पोखरा के तरह ही किस तरह का सौंदर्यीकरण किया जाए जो पूरे चंपारण के लिए एक तीर्थस्थल जैसा और एक प्राकृतिक सौंदर्य का एक उदाहरण बने। जल जीवन हरियाली योजना तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूढ़वन प्रोजेक्ट के तहत बेतिया ब्लॉक के 7 पंचायतों में तमाम तालाबों का जीर्णोद्धार किए जाने का प्रपोजल जिला प्रशासन एवं प्रखंड प्रशासन के द्वारा तथा परिषद के द्वारा किए जाने के बावजूद भी अभी तक सिर्फ एक पोखर सागर पोखरा का जीर्णोद्धार हुआ है। नगर विकास मंत्री एवं डिप्टी CM तारकेश्वर प्रसाद जी से मेरा आग्रह है, माननीय डिप्टी CM तारकेश्वर बाबू, बेतिया नगर निगम के महत्व को देखते हुए एवं इसके ऐतिहासिकता और धार्मिकता को देखते हुए सारे पोखरों का विद्युतीकरण, सौंदर्यीकरण एवं उसके स्वच्छता एवं रख रखाव तथा बैठने के लिए बेंचों आदि की उचित व्यवस्था की जाए। इस प्रकार की प्रबुद्ध भारती आज तमाम आरोग्य भारती, भारत मुक्ति मोर्चा ऐसे संस्थानों के साथ पूरे बेतिया नगर निगम के साथ ये मांग करती है तथा सागर पोखरा के एकमात्र सौंदर्यीकरण होने तथा अन्य 10 पोखरों का संतुलन नहीं किए जाने का घोर विरोध करती है। यह भी प्रशासन के नज़र में आनी चाहिए। सर, सागर पोखरा का नाम चेंज करने का एक बात आ रही है सामने, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कभी ऐसी चर्चा में आई थी, लेकिन हमारे सांसद महोदय बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनके पास जमीन और उनके पास इतनी ज़मीनें हैं कि स्वयं अपने निजी ज़मीन में भी बड़े बड़े तालाब और पोखरों का निर्माण कर और वो जिस तरह से चाहें उसका उद्धार कर सकते हैं और अपने कुल खानदान को रोशन कर सकते हैं। फिलहाल तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती, इसलिए इस समय सागर पोखरा के जैसे अन्य तालाबों का भी सौंदर्यीकरण हो और बेतिया नगर निगम को एक
स्वर्ग जैसा स्थान बनाया जाए। अभी तो बात आ रही है कि डॉक्टर मदन स्वर्गीय मदन जायसवाल की स्मृति में यह नामकरण किया जा रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर जनता के वो प्रतिनिधि हैं और विश्व की सबसे बड़ी पंचायत में बेटियाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की उनके दिमाग में बात है। अगर होगी तो हमारे मित्र हैं, मुझे तो कम से कम जरूर आमंत्रित किए होते। सागर पोखरा का नाम सागर पोखरा ही रहना चाहिए या कोई और हो जाना चाहिए? अरे भाई, सागर है, सारी नदियाँ सागर में आके मिलती हैं, सारे सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, तो सागर का नाम तो उसमें कोई सबके लिए जगह है। सागर में अलग से सागर के साथ कोई नाम जोड़ने की बात को प्रासंगिक नहीं लगती है। इससे पहले भी यहाँ पार्क का निर्माण हो चुका है लेकिन वो असफल रहा। इसके पहले भी बोटिंग की व्यवस्था हुई, वो भी असफल रहा। इस बार क्या सफल रहा? ये बात मैं जरूर याद दिलाना चाहूँगा निगम प्रशासन को कि इसके पहले भी उद्यान का जो प्रपोजल था करीब 60-70 लाख रुपये का वो बजट था। आज वो उद्यान के नाम पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, यहाँ तक उसके ग्रिल और फाटक भी दिखाई नहीं पड़ते, कोई उद्यान के नाम का कोई फूल पत्ती दिखाई नहीं पड़ती। यह नगर निगम की लापरवाही है और जिला प्रशासन महोदय तथा नगर निगम का आयुक्त महोदय को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो पैसे आवंटित हुए वो पैसे सरकार के नहीं, वो पैसे बेतिया नगर निगम वासियों के द्वारा, टैक्सों के द्वारा इकट्ठे हुए पैसे हैं। बेतिया नगर निगम की सभी जनता का दर्द समझें और पैसे का दुरुपयोग राष्ट्रहित में न किया जाए, राष्ट्रीय क्षति ना की जाए, इस बात का संज्ञान नगर आयुक्त और जिला प्रशासन महोदय जरूर दें। बोटिंग के संबंध में क्या कहेंगे? बोटिंग इसके पहले चल रहा था सागर। ये तो दुर्भाग्य है कि बेतिया जैसा जगह जहाँ सरिया मन जैसा मन है, अमुआ मन जैसा मन है, सागर पोखरा जैसा दसों तालाब है, यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि आसपास के दूर दराज के जिलों के लोग आकर यहाँ पर बोटिंग करें, बच्चे तैरना सीखें, स्विमिंग की व्यवस्था हो, कोचेज हो। लेकिन दुर्भाग्य कि ये सब शायद चीज़ें अब नगर निगम के चुनाव के बाद ही होंगी। इसका आश्वासन तो हम दे सकते हैं कि सारी सुविधाएं जो हमारे बंधु चाहते हैं वो सारी सुविधाएं बोटिंग से लेकर स्विमिंग तक और ट्रेनिंग तक और सारे चैंपियनशिप तक, यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर स्विमर बनेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे, ये शुभकामनाएँ और हम लोग अपनी आशाएँ व्यक्त कर सकते हैं।